नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा कंप्यूटर लैब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो है वर्चुअल कीबोर्ड है वो किस तरीके से एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, हमें फिजिकल कीबोर्ड जो होता है वो देखा जाता है, देखने के लिए मिलता है। अब आप देखेंगे कि सपोज़ कि कभी कभी ये काम करना बंद कर देता आप जो वर्टिकल वर्चुअल कीबोर्ड है उसका यूज़ करके आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से ओपन होगा वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए। स्टार्ट मेन्यू को जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। दोस्तों, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद क्या करना है आपको, एसेसरीज में जाना है। एसेसरीज में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में से आपको देखना है इजी टू एक्सेस सेंटर। ठीक है, इजी टू एक्सेस वाले इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आना है ड्रॉप डाउन करके, तो आपको देखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दोस्तों क्या होगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है। अब ये बिल्कुल उसी की तरह ही काम करेगा जो फिज़िकल वाला काम करता है। जैसे आपको स्टार्ट बटन वाला बटन दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, है ना। आप यहाँ पर इस जगह पर कोई भी अगर लेटर टाइप करेंगे इसके जैसे, मतलब जैसे कोई भी की दबाएंगे आप, वो इसकी वजह से हो जाएगा। जैसे मैंने बोला जी, देख सकते हैं हम जी एस, देख सकते हैं सेम उसी की तरह काम कर रहा है जो फिज़िकल काम करता है। तो आप इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और अपना जब भी आपका फिज़िकल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है आप इसकी मदद से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।